लक्षद्वीप में भारत में अपनी तरह का पहला मालदीव जैसा वाटर विला होगा। पर्यटन के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने शनिवार 31 जुलाई को इस परियोजना के लिए ग्लोबल टेंडर्स जारी किए हैं। 3 प्रीमियम परियोजनाएं मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में 800 करोड़ रुपए की लागत से आएंगी। देश में अपनी तरह की पहली पहल में मिनिकॉय में 319 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना, सुहेली में 247 करोड़ रुपए और कदमत में 240 करोड़ रुपए लागत की परियोजना, तीनों द्वीपों में 3 प्रीमियम वाटर विला परियोजना की पहचान की गई है। कंप्रहेंसिव लोकेशन सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, तकनीक और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और परियोजना संचार के आधार पर प्रशासन ने एक बयान में कहा, मिनिकॉय द्वीप के इको टूरिज्म रिजॉर्ट के लिए 8.53 हेक्टेयर जमीन, लैगून क्षेत्र के लिए 6 हेक्टेयर जमीन, समुद्र तट विला के लिए 110 कीज और वाटर विला के लिए 40 कीज शामिल हैं। डेवलपर द्वारा बनाए जाने वाले सहायक बुनियादी ढांचे में 114 केएलडी डिसेलिनेशन प्लांट, 2152 किलोवाट रूफटॉप और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्रोत शामिल है। केंद्र शासित प्रशासन ने आरएफपी दस्तावेज में कहा है कि लक्षद्वीप प्रशासन बोलीदाताओं को लागू परमिट प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा, बशर्ते कि बोलीदाता समय पर पूरा आवेदन जमा करें। इन परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिक पदचिन्ह को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और प्रीकास्ट कंक्रीट अनिवार्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।